बहुत समय पहले की बात है कि एक मूर्तिकार बड़ी ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसकी मूर्तियों को देखकर लोगों को उन मूर्तियों के जीवित होने तक का भ्रम हो जाता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मूर्तिकार का अंतिम समय आया, तो मौत से बचने के लिए उसने सोचा क्यों ना यमदूत को ही चकरा दिया जाए। उसने अपनी जैसी 10 मूर्तियां और बनाई और उन 10 मूर्तियों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। जब यमदूत उसे लेने आए तो वो भी 11 मूर्तियों को देखकर दंग रह गए। वो पहचान नहीं पाए कि असली कौन है और नकली कौन है। इसलिए उसने एक बड़ी अच्छी तरकीब निकाली। उसने कहा कि क्या कमाल की मूर्तियां हैं, बस इनमें सिर्फ एक ही त्रुटि है, और अगर मूर्तिकार मेरे सामने होता ना तो मैं उसे वह गलती बताता। इतना कहते ही मूर्तिकार के अंदर का अहंकार जाग उठा। तो उसने कहा कि क्या गलती है इसमें, मैंने तो इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। तब यमदूत जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि यही तो तुम्हारी गलती है कि मूर्तियां कभी बोला नहीं करती। तो गुरु क्या समझे, इतिहास गवाह है कि अहंकार ने इंसानों को दुख और परेशानी के सिवा कुछ नहीं दिया। इसलिए अपने जीवन में अहंकार को बिल्कुल त्याग दीजिए।